डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। ओके, तो देखिए एक जो मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का, उसने थर्ड ईयर में 600 सेट्स को प्रोड्यूस किया, यानी कि A3 इज 600 एंड A7 यानी सेवंथ ईयर में 700। ओके, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, तो जो हम एज्यूम करना है कि जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब जो है जो कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस है वो सेम है, तो ये जो फॉलो करेगा सीक्वेंस वो एक AP होगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो ये एक AP फॉलो करेगा। ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन क्या होगी, फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका। तो देखिए हमें गिवन है A3 इक्वल टू 600 एंड A7 इक्वल टू 700, तो बाय डेफिनेशन एन टर्म ऑफ एन AP दिस इज इक्वल टू A+N-1 × D वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ यूज करेंगे A3 को, तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A+2D और A3 हमें गिवन है 600, सो दिस इज इक्वल टू A+2D। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए ये यहाँ से आएगी A7 इक्वल टू 700 से, सो A7 इक्वल टू हो जाएगा A+60 और दिस इज इक्वल टू 700 A+60। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें सिम्प्लीफाई करना है और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A और D की। ठीक, तो देखिए A+60 इक्वल टू गिवन है दिस इज 700 एंड A+2D है हमारे पास 600, तो इन दोनों को हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा A-A कैंसिल, 6-2 दैट इज 4D, 7-6 इज 100, तो D इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 50, दिस इज 25। तो जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो हो गया 25 का, और फर्स्ट टर्म के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से A इक्वल टू आएगा 600-2 × D विच इज इक्वल टू 600-2 × 25 दैट इज 50, दैट इज 600-50 इज 550, सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 550। ओके, सो द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो क्या आ गया फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन 550, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, तो टेंथ ईयर में प्रोडक्शन क्या होगी ये बताना है हमें, इसका मतलब है A10 हमें फाइंड करना है विच इज इक्वल टू A+10-1 × D विच इज A+9D। तो देखिए A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, A इज 550 प्लस 9 × 25। ठीक, तो ये हो गया 550 प्लस 25 × 9 दिस इज इक्वल टू 225, 225 प्लस 550 दिस इज इक्वल टू 775, यानी कि जो टेंथ ईयर है उसमें प्रोडक्शन होगी 775 की, तो उसको इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का आंसर विल बी 775। ओके, नेक्स्ट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो इसमें बताना है कि मैं फर्स्ट 7 ईयर्स जो हैं उसमें टोटल प्रोडक्शन क्या होगी। ठीक है, यानी कि S7 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर्स का जो प्रोडक्शन है वो फाइंड करना है, तो बाय डेफिनेशन SN क्या होता है, दिस इज इक्वल टू N/2 2A+N-1 × D, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो देखिए आएगा 7/2 2 × A, A इज 550 प्लस N-1, N इज 7-1 × D इज 25, देखिए यहाँ से 25, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आएगा क्या, दिस इज इक्वल टू 7/2 2 × 550 दैट इज 1100 प्लस 7-1 इज 6 × 25, 25 × 6 इज 150, 150 प्लस 100 1100 इज 1250, तो 7/2 × 1250, तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो दिस विल बी 4375। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 7 ईयर्स में जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो होगा 4375 TVs का, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट थर्ड पार्ट, तो ये हो गया 4375, सो दिस इज द सॉल्यूशन। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।